तो जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सब? होपफुली बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। तो मैं बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था इस पल का, जो कि आज है 22 तारीख रात को 12 बज चुका है और हमारे यहाँ दिवाली शुरू हो चुकी है। तो मैं आप सभी को दिखाता हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आप सभी को रामलला के स्वागत का ढेर सारी शुभकामनाएं सबको। और अभी दिखाता हूँ हम लोगों की इधर दिवाली मन रहा है, ठीक है? सुन सकते हैं आप लोग आवाज? तो गाइस यही है, यहाँ भी पूरा जश्न से मनाया जा रहा है एकदम। तो गाइस आप लोगों को पता है सूरज एक साल बाद कपड़ा धो रहा है, क्योंकि आज मुझे ठंड लग गई ना, तो ठंड लग गई छोड़ दिए तो कपड़ा धो के कैसे रुपया चार्ज हुई हो? 200 रुपया में दिया है आज तक 1 रुपया। बताओ तो तुम, सही सही बोलना, झूठ नहीं बोलना। 1 रुपया वो भी ले लिए थे तुम वापस। 20 रुपया के 100 रुपया हाँ तो फिर लेने लिए थे तुम। अच्छा वो क्या बोलते है उसको, आज तुमको डील फाइनल नहीं हो पाया ना?200 रुपया 6 महीने बाद कपड़ा धो रहे हैं, कथी कथी चाहिए? 6 महीने बाद धो रहा है और कथी कथी चाहिए? 6 महीना कैसे होगा वो? हो गया 8-9 महीना धो रहा है कपड़ा, तो इसका डीलिंग सुनिएगा क्या बोल रहा है। हम सरफ से कभी कपड़ा नहीं धोए हैं, मेरे लिए ये चाहिए साबुन चाहिए। वही साबुन ना, साबुन नहीं पता नहीं कौन सर्फ एक्सेल, ठीक है? तो ये साबुन कैसे कैसे इससे तक धोने लगे हैं, ये इनको चाहिए ब्रश कपड़ा धोने के लिए, गर्म पानी तक धो रहे हैं। दिखाइए ना उधर, वो बहुत कलर झा रहे छो। डुप्लीकेट टी शर्ट के यही कमाल होता है। भाई से धोना चाहिए ना, तुमको अक्कल नहीं है क्या? जब गीजर लगा है तो बेबी गीजर लगा है, हम तो उससे बचा देते हैं, खराब वराब हो जाएगा फालतू में ठंडा के मौसम में। शायद तुमको नहीं हजम होता भाई, लेकिन मजा आ जाएगा। आज कपड़ा लगेगा कि धोया है? मतलब आज तक नहीं धोया रहता था कितना बेइज्जत करता है, कभी ऐसा बोलेगा कोई तो कभी धोएगा तू? बताओ तो, तू ये ना बोलती है कि हम ऐसा ये खाली करके रख देते हैं। तो मेरे हाथ में जितना जम है, मेरे से जितना होता है उतना मैं कर देती हूँ। अब आज से मैं लिख के देती हूँ, आज से मैं कभी कपड़ा नहीं धोऊंगी सूरज गुरु का, सूरज खुद ही धोएगा। पानी उठा के दे दीजिए, अभी नहीं पीने वाला है, इधर पिलाएंगे। कुछ बोलना चाहते हैं? कुछ नहीं तो बंद कर देगी। ए यार ये सब क्या दिखाता रहता है? आए ना इटा जाना धोबो माने टाव जा। क्यों आता है यार? हम धोएंगे। आए धोएंगे भाई। हां सूरज, हां ताजर को नहीं बेधोई बुता बोकरो बोर देवे के चाहे। हमको लगता है सूरज आज ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा, कसम से बोल रहे हैं। अब सूरज को बैठा दीजिए, आज हम बनाएंगे वीडियो। तो इन्हें ताजर ना दो भाई। अरे धोना है भाई, ठंड लगता है। गरम पानी दियो। समझ रहे हैं गाइस,
इसको ठंडा पानी से कितना डर लगता है, इसको बहुत डर लगता है ठंडा पानी से, कसम से। नहाता कितना दिन में, एक हफ्ता बाद एक बार नहा लेता है गलती से, और नहाने का बोल दोगे तो झगड़े कर लेगा ताकि कोई नहीं बोले मुझे। अरे पागल, तुमको ठंडी में गर्म डालने का, यार समझाओ, यार समझाओ उसको, ठंडा में गर्म पानी से कोई फर्क पड़ेगा? ना दे, तो तोरे कपड़ा ना धोवा चाहे ना धोवा, यार मुझे धमकी दे रहा है यार, बताओ कि हम धोएंगे, बोला इसका धोया हुआ कपड़ा धोया लगता ही, तो धोएगा चाहे ना धोवा, तोरे कपड़ा हो जल्दी करा, सब तो हमने ठंडा लग सके बाद धो ले ले, फिर भी अनपे नमका दी। गाइस सब कपड़ा डाल दिए हैं सूखने के लिए, और इसका कपड़ा डालते ही देख रहे हैं धूप निकल गया, मतलब सूरज गुरु से सूरज को बहुत प्यार है। तो अभी कपड़ा को डालते ही तो आ गया है धूप, अब सूखेगा कपड़ा, सूरज के पास कपड़ा एक ही ड्रेस होगा, अच्छा है सूख जाए जल्दी इसका कपड़ा, लेकिन यार इतना गजब धोया है, टूटेगा नहीं ना, ना। इतना खतरनाक धोया कपड़ा, बहुत साफ धोया है, बात तो सही है। अबे बैठिए तो टूटेगा ना, वैसे वो कर करता है, बैठ थोड़ी रहे, ये कितना कितना हार्ड है, कितना टाइट है, मुझे पैसा लगा है, पैसा चलिए दिखाते हैं सूरज जी को, सूरज जी नहा रहे होंगे, देख रहे कैसे कौन से जुगाड़ से है, ओकरा फिर बांध देंगे खुलेगा तो, उधर बहुत है डबल उभरा हुआ है, अभी थोड़ी ना टूटेगा, तो चलिए मिलते हैं फिर नीचे। तो गाइस अभी सूरज जी धो लिए हैं कपड़ा अपना, और खाना खा के सेक रहे हैं हीटर बैठ के, क्योंकि इनको बहुत तेज ठंड लग रही थी, इनको हम 5 बार बुलाए तो नहीं बोले, जब हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे थे अभी बोल रहे हैं, मतलब निकल रहे हैं कि हम जग रहे हैं, कभी बोल रहे हैं, हर जगह भंडारा ही भंडारा, तो गाइस यहाँ पे सारू जी को डर लग रहा था, फटाका जो छूट रहा था, इसीलिए देखो उधर फटाका है कितने दूर से जा रही है, तरफ दिया दिवाली सब मन रहा है, आज मैं रोटी बना रहा हूँ लेकिन मेरे से बन नहीं रहा, कुछ भी कहो आई डोंट लाइक दिस रोटी रोटा, फेंक दूंगा मैं, देखो गाइस लेकिन मुझे बनाने नहीं आ रहा, चाहे कुछ भी कहो, देखो मैं देखो आज कैसा रोटी बनाया हुआ, देख रहा किस्मत, बट क्या कर सकते हैं, बना के खाना पड़ता है, कभी कभी मोल्ड बनने में थोड़ा टाइम लगता है, सारू जी सारू जी ऐसा रोटी नहीं खा रही, ठीक है, क्यों बोल रहे हो मुझसे, अभी तो घमंड दिखा रहे हैं, बोली हम नहीं खाएंगे तुम्हारा ऐसा, मेरे को जैसा आएगा वैसे ही ना बनाएंगे, इससे भी बेस्ट खा गए अभी, जा तगड़ा रोटी बनाते हैं, खाइए, खराब बना है तो कैसे खाइएगा, कोई बात नहीं है, गाइस इसको मेरा नंबर नहीं पता है, लो है ना, फॉलो आई मिस यू, कौन सा नया एक्टिंग फिर चालू कर दिए, गाइस इसको पता नहीं कोई बुलाया है, ठीक है, तो इसके वजह से ही जा रहा है, इसकी वजह से वो चोर के जा ये रहा, जा रहा है 1 बजे रात में, मत रो, अरे बाप रे उंगली, ओवर एक्टिंग ना कर दिया
तो गाइस ये ओवर एक्टिंग कर रहा है, ठीक है, ये जा रहा है, कोई बुलाया इसको तो वो बुलाया इसको, तो फिर बोलेगा ऐसा बात बोलेगा, सीधे दवा के लिए चल जाएंगे, समझ में आ रहा है? मुझे नहीं पता ये कहाँ जा रहा है, आई डोंट नो, लेकिन एक बजे रात में ये जा रहा है कहीं, आप लोग देखो कहाँ जाता है, ब्लॉग बनाएगा, इसके हाथ में है ना ये ब्लॉग बनाएगा कि नहीं बनाएगा। यार कमर दर्द हो रहा है क्यों? कमर कर लप 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 लप, जाओ ना एक बज गया, कमरिया लप लप कर, बता सब काट के किसी आएगा तब पता चलेगा, जाओ ना। चलो बीबी गुड नाइट, इरिटेट हो जा मेरे से। तो गाइस ठंडी में हम चल रहे हैं, हमारा गेट खुल चुका है विष्णु भाई का, गाइस आप सबको पता है कि मैं विष्णु भाई के रूम पे आया हूँ, और पिछला बार जब आया था तो आप लोगों को रूम दिखाया था कि कैसा रूम था, और आज देखिए कितना क्लीन करके रखे हुए, एकदम क्लीन अप क्लीन रूम, तो क्या ही बताएं, एकदम मस्त लग रहा है ना। उधर ऑफिस है, इधर बाथरूम भी उस दिन देखे थे कचरा था, इधर देखिए पूरा बेड वेड एकदम मस्त, गजब बिंदास। और ये भी आज सज सज संवर के बैठे हुए हैं, क्योंकि गए थे अपने भैया के पास दिवाली मनाने, और जय श्री राम का झंडा लेके आए हैं। भाई वीडियो बनाकर घर पे भिजवा देते हैं। नहीं भाई गाइस आप लोग बताइए, जो जैसा था वैसा हम दिखाए थे, है ना, आप लोग भी देखे थे कि इतना बड़ा रूम है, इतना अच्छा डेकोरेशन है, इतना अच्छा क्या बोलते हैं इसको, देखिए लाइट है, वो देखिए ज्योत हो गया, और गजब कितना स्मार्ट लगने लगा सब। यही होता है सर, पैसा जिसके पास है कुछ भी है, पैसा सर मेरे पास नहीं है आपके पास है, तो सब सबको पता होगा, गरीब आदमी बैठे हुए हैं, गरीब जिसके पास रहेगा उसके पास इतना अच्छा ऑफिस, अलमीरा, बेड, किचन, बाथरूम, हॉल, रूम, अब क्या चाहिए, लैपटॉप उधर फेंकल है। कुछ खाने वाले ना थे आप सर, आप खाए हुए नहीं हो?